हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में ना जो इसके पार्ट्स रिप्लेसमेंट वगैरह जो हम करते हैं उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे कि गाड़ी का जो क्लीनिंग फिल्टर होता है राइट, या उसके जो स्पार्क प्लग्स होते हैं, हमें पता होता है कि इतने टाइम बाद वो रिप्लेस होने हैं और क्लीन भी होने हैं बराबर। लेकिन गाड़ी का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है जिसको 90% लोग ना इग्नोर करते हैं, और उनमें से मैं भी था अभी तक, अब नहीं हूँ अभी तक था, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में ना बैटरी जब चेंज करवाई और जब मेरे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगे कि गाड़ी की जो बैटरी वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी गाड़ी के अंदर, तब मुझे पता लगा कि नहीं, रियली मैं गाड़ी की जो बैटरी है वो कितनी वर्थ। अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं और बताऊं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बैटरी खुद शो करती है कि नहीं, अब उसकी जो लाइफ है, जो उसका स्पैन, जो उसका ड्यूरेशन है, वो अब डिग्रेडिंग की तरफ है, मतलब अब उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाता है। सबसे पहला जो सिम्टम जो शो करेगा ना, वो शो करेगा गाड़ी की जो बैटरी है, जो उसकी टर्मिनल। अभी मैं आपको खोल, ये देखो मैंने अभी जो है गाड़ी का बोनट ओपन किया है, ये देखो यहाँ है हमारी बैटरी राइट। अभी देखो क्या आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ये देखो ये जो उसकी टर्मिनल है ना, ये इसका पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें आप ये देख सकते हो अगर यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन या आपका कोरोजन मतलब जंग वगैरह की शिकायत प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इन टर्मिनल्स के ऊपर, तो भैया समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है कि इसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जो टर्मिनल है ना, ये प्रॉपर तरीके से ना टाइट होने चाहिए, ये जो उसमें देखो नट और बोल्ट दिया है, अगर ये लूज़ होंगे ना तो ये बहुत मतलब हानिकारक होता है, अगर ये आपके जो टर्मिनल लूज़ होंगे राइट। देखो दूसरा जो कारण या जो सिम्टम है ना, वो ये होता है कि जब कभी भी आप कोशिश करते हो ना अपनी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट करने की, जब आप यहाँ से सेल्फ देते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में जब एक बार देते हो ना तो इंजन जो होता है वो स्टार्ट नहीं करता है, स्ट्रगल करता है, फिर आप कुछ सेकंड वेट करते हो, फिर आप दोबारा से सेल्फ मारते हो ठीक है, फिर वो हल्का सा स्ट्रगल करता है। तो अगर ये प्रॉब्लम रिपीटेडली 2-3 बार होती है ना, फिर आपका जो इंजन होता है फिर स्टार्ट होता है, तो भैया ये चीज़ भी समझ जाओ कि जो बैटरी में जो करंट है पीछे से कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये भी एक बहुत मेन रीज़न होता है ये शो करने के लिए कि हमारी जो बैटरी की लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है या जो बैटरी शो करेगा, वो ये है कि देखो जब भी हम अपना इग्निशन ऑन करते हैं बराबर, ये आप देखो यहाँ पे ये जो लाइट्स ये शो कर रही है ना, जो आपके डैशबोर्ड में है, ये जो आपके म्यूजिक सिस्टम वगैरह चलेगा, अभी हमको पता है हम अपनी इन लाइटों को देखते आ रहे हैं ठीक है, हमको पता है कि इनकी जो ग्लोइंग इंटेंसिटी है और ये कितनी ब्राइट तरीके से चमकती है। बट क्या होता है कि अगर बैटरी की जो लाइफ कम जब अगर हो रही है ना, तो क्या होता है पीछे से करंट सप्लाई कांस्टेंट नहीं आएगी, तो ये जो डैशबोर्ड पे जो ये लाइटें आ रही है ना, ये धीरे 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 एक तो डिम होना शुरू हो जाएंगी ठीक है, अपनी फुल इंटेंसिटी से नहीं चलेंगी, और एक ये भी शो हो सकता है कि ये जो लाइटें होती हैं ना ये फ्लिक करेंगी, फ्लिक का मतलब जलबुझ 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 जलबुझ, ये जलबुझ तरीके से जलेंगी। ये तीसरा कारण होता है आपका चेक करने के लिए, आप आराम से समझ जाएंगे कि अगर डैशबोर्ड की जो लाइटें हैं ना वो बिल्कुल डिम जल रही हैं या ये फ्लिक कर रही हैं, तो ये तीसरा कारण आप अच्छी तरह से जज कर पाओगे। और चौथा क्या है भाई कि ये जो हमारी पावर विंडोज़ है ना, हमको पता है आइडियली ये कितनी स्पीड से ऊपर नीचे होती हैं, अभी मैं आपको जैसे करके ये दिखा भी देता हूँ, देखो जैसे अभी मैं इसको नीचे करूँगा, ये देखो ये इसकी स्पीड है, अब ये ऊपर हो रही है राइट। हमको पता है कि इसकी जो एक्चुअल जो ये होती है स्पीड होती है ये कितनी होती है, लेकिन अगर बैटरी हमारी पीछे से कमज़ोर है ना, तो ये जो होगा ना रोल करने में और रोल डाउन होने में क्या होगा, ये बिल्कुल धीरे धीरे मतलब आपको फील हो जाएगा ये स्ट्रगल कर रही है, इसका मतलब पीछे से करंट सप्लाई प्रॉपर नहीं है, गाड़ी जो है बैटरी जो है वो स्ट्रगल कर रही है करने में, तो आप इससे भी जान। और पाँचवा तरीका क्या हो सकता है जानने के लिए, आप अपने इंजन को स्टार्ट करो, आपने इंजन स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप ये नोटिस करना, वो जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि जो आपकी गाड़ी में जो डैशबोर्ड में जो लाइटें आ रही होंगी ना वो हमेशा एक कांस्टेंट तरीके से चलेंगी, वो बिल्कुल ग्लो करेंगे बराबर। अगर पीछे बैटरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करना, जब आपका इंजन आइडल स्टेज में खड़ा होगा ना, तो आप ये देखना कि जो यहाँ पे डैशबोर्ड में लाइट जलेंगी ना वो हल्की हल्की क्या होगी, वो डिम होंगी राइट। जैसे ही आप अपने इंजन को रेव करेंगे मतलब स्पीड देंगे खड़े इंजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटर पीछे काम कर रहा है, और वहां से करंट अगर सप्लाई और तेज होगी ना, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये भी एक कारण हो सकता है आपकी बैटरी को शो करने का कि इसकी लाइफ कम हो रही है, क्योंकि पीछे से करंट सप्लाई प्रॉपर नहीं है। इंजन को रेव करने के बाद अगर
वो जो आपकी लाइट है डैशबोर्ड की वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ ग्लो कर रही है या अपनी जो नॉर्मल जो उनकी ग्लोइंग जो इंटेंसिटी होती है वैसे ग्लो कर रही है, तो समझ जाओ ये भी एक कारण है। आप जान सकते हो कि बैटरी की जो लाइफ है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप इन तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो इजीली कि आपकी जो बैटरी है वो अब धीरे 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 ड्रेन हो रही है या फॉल हो रही है, अब उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बराबर। तो एक वो रीज़न या वो एक स्टेज आने से पहले कि बैटरी जो आपकी गाड़ी की है वो बिल्कुल ही डेड हो जाए, उससे पहले आप थोड़ी प्रिकॉशन लो ताकि आपके जो इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट्स वगैरह में ना आए, आपके जो बल्ब्स हैं या आगे स्टार्टिंग होने में कहीं इमरजेंसी में फंस गए किसी दिन वो आपको समस्या ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल्कुल एंड होने से पहले ही आप अपनी जो बैटरी है उसको ध्यान दो ताकि आप इस चीज को पहले ही रेक्टिफाई कर लोगे। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको पहले से ही प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे कि आपकी जो बैटरी है उसकी जो लाइफ है वो अब कम होती जा रही है, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।